ଜୟନ୍ତୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ନମନ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 22,000 କୋଟିର ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର 15ତମ କିସ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭଗବାନ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଉଲିହାତୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ 1,000 କୋଟିର ମେଗା ଉପହାର ଦେଲେ ଆଉ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। बिरसा मुंडा जयंती में झारखंड राजधानी आरंभ हुईथला प्रधानमंत्री कार्यक्रम। रांची बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय पहुंचले नरेन्द्र मोदी। सांगरे थिले झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केन्द्रमंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड राज्यपाल। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଶହୀଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଁ ଉଲିହାତୁରେ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ। ପ୍ରଥମେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନମନ କଲେ ମୋଦି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାଟିରୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 22,000 ଗାଁରେ ଜନଜାତି ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ, 36,000 ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ। ଏଥିସହ ଦେଶର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଲେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 15ତମ କିସ୍ତି। ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଅମୃତ କାଳର ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଶର 4ଟି ଅମୃତ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଗଲେ 25 ବର୍ଷୋଁ କେ ଅମୃତ କାଲ ମେ ଅଗର ହମେ ବିକଶିତ ଭାରତ କି ଭବ୍ୟ ଔର ଦିବ୍ୟ ଇମାରତ କା ନିର୍ମାଣ କରନା ହେ ତୋ ହମେ ଉସକେ 4 ଅମୃତ ସ୍ତମ୍ଭୋଁ କୋ ଔର ମଜବୁତ କରନା ହୋଗା, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति
जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन चार स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। बिरसा मुंडाक माटी रे प्रधानमंत्री को सबाई घास रे प्रस्तुत टोपी समेत बिरसा मुंडाक चित्रकला उपहार देले केंद्रमंत्री अर्जुन मुंडा। सेहीपरि मोदी को बिरसा मुंडाक प्रतिकृति उपहार देले झारखंड राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।